झारखंड के विभिन्न केंद्रों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई है और ये 3 पालियों में परीक्षा ली जा रही है। 2 पालियों की परीक्षा हो चुकी है और 3री पाली की जो परीक्षा है कुछ देर में शुरू हो जाएगी। हम राजधानी रांची के पुरुलिया रोड स्थित इंटर कॉलेज जो उर्सुलाइन स्कूल है उस वेन्यू पे मौजूद है जहां पर जैसे सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई है और जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर निकल रहे हैं अपने परीक्षा को देकर। कई जो अभ्यर्थी है वो यहां पर हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसा जो था क्वेश्चन था। हो गया आपका परीक्षा? हाँ, ठीक गया। कौन से जिला से? हम रामगढ़ से। क्या कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी या फिर कैसा था क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, जो स्टडी किया है उसके लिए ठीक है। एक लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे सीजीएल की परीक्षा हो जाए, ऐसे में आप परीक्षा देकर निकल रहे हैं। एक तो आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि खुशी है क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। हाँ, लंबे समय से एग्ज़ाम था, काफ़ी 2 साल से एग्ज़ाम तैयारी कर रहे थे, बट अभी लगा कि सरकार खरा उतर रही है और हम लोग का एग्ज़ाम भी ठीक गया, क्वेश्चन भी ठीक था। आंदोलन भी किए थे जैसे जो कार्यालय घेराव भी किए थे कि परीक्षा जल्द ली जाए, ऐसे में आचार संहिता लागू हो जाए तो परीक्षा नहीं हो पाएगी। अब आप देख के बाहर निकले हैं, एक तो खुशी है और क्वेश्चन देख के कैसा लग रहा है? क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन जैसा पढ़ा गया जो सिलेबस में सब उसी के आधार पर, सिलेबस के आधार पर ही है। सिलेबस के आधार पर ही है। क्या अभी कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये है खोरठा का। खोरठा का है, अच्छा। कुछ वैसा क्वेश्चन जो जहन में हो? थोड़ा टफ लगा समास, जो पूरी तरह से खोरठा शामिल किया गया है भाषा में, वो ऐसा थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ, बस बाकी सारा क्वेश्चन ठीक था। मतलब जो सिलेबस में था वही आया ना? सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस से बाहर नहीं। चलिए, देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो खुश हैं क्योंकि लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि परीक्षा आयोजित हो जाए, इसको लेकर कई आंदोलन भी किए गए थे। और भी परीक्षार्थी हैं जो कि परीक्षा लिख के जो है बाहर निकले हैं। देखिए कुछ और भी परीक्षार्थी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। परीक्षा हो गया आप लोग का? हाँ, 2 पाली का अभी तक हुआ है। आपका हो गया? हाँ, आप मेरा हो गया। कैसा है? बहुत अच्छा, पेपर अच्छा था। कौन से जिला से? हम रामगढ़ से हैं। रामगढ़ से। मतलब क्वेश्चन ठीक था, सिलेबस वाइज था? सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अच्छा लग रहा है कि लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था कि परीक्षा हो जाए, आंदोलन भी किया आप लोग? जी, काफ़ी समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और वो घड़ी आ गई और एग्ज़ाम भी अच्छा गया है और सभी परीक्षार्थी खुश भी हैं। आप कहाँ से हैं? रामगढ़ से। रामगढ़ जिला से। कैसा लग रहा है? काफ़ी लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि परीक्षा हो जाए, परीक्षा हो के बाद नियुक्ति हो, अब फाइनली जो है परीक्षा हो आयोजित हो गई है, आप लोग देख के बाहर निकले हैं। यस, अच्छा लगा, लगभग सही है। क्वेश्चंस कैसा था? क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार ही था और बाहरी में ऐसा कुछ नहीं था, लगभग सही था। आपका कैसा गया एग्जाम? मेरा भी ठीक ही गया, लमसम, देखिए अब क्या होता है। क्वेश्चन ठीक था ना, जो उम्मीद रख के गए थे उसी उम्मीद के अनुसार क्वेश्चन आया? हाँ, उसी उम्मीद के अनुसार आया है, अब देखिए क्या होता है। चलिए, ठीक। जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा लिख के बाहर निकल रहे हैं और सिलेबस के अनुसार जो है वो क्वेश्चंस आया है। और बहुत सारे जो रामगढ़ के अभ्यर्थी थे उनसे हम बात कर रहे थे जो कि परीक्षा लिखकर बाहर निकले थे। बहुत सारे जो लोग हैं जो 3री पाली शुरू हो रही है उसके लिए अंदर जा रहे हैं और चेहरे पे मुस्कान बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनके हैं क्योंकि लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे थे कि परीक्षा आयोजित हो जाए। कहाँ से हैं आप? सर, हम तो कोकर से हैं। कोकर से ही आप परीक्षा लेने? हाँ, परीक्षा लिखने आया, एक्चुअली मेरा रामगढ़ घर। अच्छा, रामगढ़ मतलब जिला पड़ गया आपका। हाँ। यहाँ पढ़ रहते हैं? यही कोकर में रहते हैं। 3री पाली में आपका परीक्षा है? हाँ नहीं, 2 पाली हो चुका है। 3री पाली? हाँ, अभी फिर से है नेक्स्ट। तो अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। इंतजार था जिस चीज़? हाँ, क्वेश्चन बहुत इजी था, जिसको बनाना था 100 में 100 बना के आया होगा, बहुत इजी था खोरठा में। सिलेबस कैसा? मतलब सिलेबस के अनुसार ही सारा क्वेश्चन है? सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो फिलहाल सब ठीक है, अब देखते पेपर 3rd का क्या होता है। तो जितना जिस अनुसार जो सिलेबस था उस अनुसार क्वेश्चन भी आया है। आपने परीक्षा दे दिया क्या? हाँ, दे दिया। कैसा गया? ठीक गया, खोटा था हमारा 2nd पेपर, अच्छा गया। इसमें समास में 8-9 क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम लोग समास को हिंदी में पढ़े थे, जैसे अव्ययी समास है ना, और इसमें पूरा खोटा ही पूछ दिया, थोड़ा उसी में दिक्कत हुआ, बाद बाकी क्वेश्चन इजी था। कोई 3री पाली में क्या? 3री पाली में आपका जीके जीएस
जनरल अच्छा मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये सब है। कुल मिलाकर ठीक ठाक गया? हाँ, क्वेश्चन ईजी था, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ईजी था, कैसा गया दो पाली का परीक्षा? दो पाली का परीक्षा बहुत बेहतर रहा, खुरठा में विशेष करके बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे जो रीजनल लैंग्वेज का जो लड़का है उनको ज़्यादातर फायदा मिलेगा इसमें। और बाकी कुछ क्वेश्चन है समास से लेके जो थोड़ा मतलब ठेठ खोरठा में पूछा गया है, जो अध्ययन किया है वो बनाएगा। मतलब कुल मिला कहा जाए तो अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। और खुशी भी है कि जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जिस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से, वो फाइनली जो है आयोजित भी हो गया है। बस वो बिल्कुल, ये तो हम लोग भी चाह रहे थे कि किसी तरह हो जाए। इसमें तो 60-40 के लेके भी बहुत आंदोलन चला था, हम लोग भी पक्षधार नहीं थे, चाह रहे थे कि लोकल लड़के को यहाँ का नौकरी मिले, लेकिन ना भला सब भला। समथिंग इज बेटर देन आई थिंक। कैसा गया आपका परीक्षा? बहुत अच्छा गया, उम्मीद के मुताबिक क्वेश्चंस था। हाँ, एकदम सिलेबस से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं था, टोटल टू द पॉइंट क्वेश्चन आया है। और खोरठा और जो क्षेत्रीय भाषा का जो सिलेबस रखा गया है उससे यहाँ के छात्रों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और कहीं ना कहीं खोरठा का सिलेबस पढ़ते समय भी ऐसा लगा कि झारखंड को और जान रहे हैं, तो सिलेबस इस तरीके से बनाया गया था कि जैसे करम पर्व हो गया या जो भी अपना कल्चर है, बहुत अच्छा से था। अभी तक दोनों पेपर अच्छा रहा, चेकिंग भी यहाँ बहुत अच्छा से हुआ, बहुत अच्छा अनुभव था। और इतना दिनों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ आज फाइनली, तो बहुत खुश हैं। इस तरह क्या लग रहा है जो जनरल पेपर है? जनरल सर, अभी तक मतलब पेपर टू और पेपर थ्री मिला के मेरिट बनेगा, तो पेपर टू तो बहुत शानदार गया है, 100 में 98 मार दिए हैं। अब पेपर थ्री देखिए, उसमें थोड़ा मोड़ा एवरेज भी चला गया, तो उम्मीद है कि हो जाएगा। 100 में 98 मार दिए, 98 सही? जी, अभी चेक कर रहे थे, सब सही है। चलिए 98 तो फाइनली अब जो है पास हो जाएगा, अब लास्ट पेपर बचा हुआ है। हाँ, उसका उम्मीद है कि वो भी अच्छा निकल जाए, तो फिर निकल। हाँ, उसमें भी बहुत अच्छा उम्मीद है, बस थोड़ा सा एक दो सेक्शन है थोड़ा सा एवरेज, बाकी हो जाएगा मैनेज, देखते हैं। हो जाएगा। तो देखिए, परीक्षार्थी जो है, जो परीक्षा अभी दूसरे पाली का लिख के बाहर निकले हैं, वो खुश हैं। तीसरे पाली की परीक्षा जो है कुछ देर में शुरू हो जाएगी, उसको लेकर जो है बाहर बहुत सारे परीक्षार्थी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, और कुछ जो है बाहर निकले हैं वो हल्का नाश्ता कर रहे हैं, ताकि जो परीक्षा शुरू हो उसमें जो है वो लिख सकें, थोड़ा शरीर में जो है ताकत आए। तो अभी हम जो उर्सुलाइन इंटर कॉलेज वेन्यू पे हैं, जहाँ सेंटर बनाया गया है, और सेंटर के देखिए, इस सेंटर में जितने परीक्षार्थी हैं जो अभी अंदर जा रहे हैं, तीसरे पाली की जो परीक्षा है वो कुछ देर में जो है शुरू हो जाएगी। दो पाली की परीक्षा है जो है ख़त्म हो चुकी है, और जितने भी परीक्षार्थी थे वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि सिलेबस के अनुसार जो है क्वेश्चन आया है, और क्योंकि लंबे समय से इस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे में परीक्षा आयोजित हो गई है, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे से पूरी जो है मुस्कान और खुशी झलक रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि परीक्षा कंप्लीट होने के बाद परिणाम कब तक आता है। न्यूज़ बायस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राज बलम के साथ नीरज कुमार, रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो, या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए, या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन, और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।